हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर है ना। रेशनल नंबर के बारे में तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 2/3 है ना, इंटू 4/5 है तो किस तरीके से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/4 है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। अब हम रूट के अंदर वाली नंबर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना, कि रूट के अंदर आने वाले जितनी भी नंबर्स हैं हम उनके बारे में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं। तो अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स, है ना। तो इसमें हम ध्यान से देखें, अगर हमको प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स निकालना हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इरेशनल नंबर्स है ना। अगर कोई नंबर ए रूट एक्स है, दूसरी नंबर भी बी रूट वाई है, बेटा क्या है, एक ब्रैकेट, एक में ए रूट एक्स है, दूसरे में बी रूट वाई है, ये ए और बी क्या होते हैं बेटा, एक रेशनल मल्टीपल होते हैं, रेशनल मल्टीपल इन द इरेशनल नंबर्स, है ना। तो इरेशनल नंबर में ये ए और बी क्या होते हैं, एक रेशनल मल्टीपल होते हैं, तो हमको इसमें कैसे मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं। तो बेटा इसमें जो रेशनल मल्टीपल होता है, रेशनल वाला रेशनल के साथ मल्टीप्लाई होता है, और रूट वाला बेटा रूट के अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है, एक्स इंटू वाई हो जाता है। रूट वाला कहाँ जाके मल्टीप्लाई होता है बेटा, रूट के अंदर जाके, है ना। किसी भी नंबर के बगल वाला क्या होता है, उसके बगल वाले से मल्टीप्लाई होता है, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर जाके। एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल 2/3 है बेटा, यहाँ से 4/5 है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप, ये ध्यान से देखो, रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 4 × 2 = 8, और रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर केवल यहाँ 3/3 हो और यहाँ 4/5 हो बेटा, तो यहाँ कुछ नहीं दिया है तो 1 हम मान लेते हैं, क्या 1 मान लेते हैं, तो 4 × 1 = 4, और रूट के अंदर बेटा 3/5 है ना, ये 3 था और ये 5 था, तो 4/15 आ गया। थर्ड देख ले बेटा, जैसे 2/ यहाँ 6 है, यहाँ 7/3 ले ले, तो क्या होगा, बाहर वाले से 7 × 2 = 14, है ना, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, रूट वाला रूट के अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है, 6/3, है ना, क्या जाएगा बेटा, 14/18, क्लियर ना, रूट के अंदर। तो इस तरीके से रूट का मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर बेटा यहाँ आपको दिख जाए सेकेंड कंडीशन, इसमें ए रूट एक्स इंटू बी रूट एक्स है ना, अगर रूट सेम हो जाए, क्या हो जाए बेटा, रूट सेम हो जाए, तो ये तो ए इंटू बी तो होगा ही होगा, ए इंटू बी तो होगा ही होगा, और रूट के अंदर ध्यान से देखो एक्स इंटू एक्स आ जाएगा बेटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ना ए इंटू बी, और ये अगर किसी भी रूट में पेयर होते हैं तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और रूट हटा देते हैं, एक बार लिख लेते हैं, यहाँ केवल क्या बचेगा, एक्स। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि अगर सिमिलर रूट मिले और उनको मल्टीप्लाई करोगे तो रूट क्या हो जाएगा बेटा, हट जाएगा। हटता क्यों है, इस लॉजिक से, क्योंकि एक पेयर अप बन जाता है और पेयर क्या हो जाता है बेटा, बाहर आ जाता है, क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है बेटा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू एक्स, क्लियर, ऐसे लिख देते हैं, ए इंटू बी और एक्स, यानी x का भी मल्टीप्लीकेशन होता है, इसको याद रखें आप लोग, है ना। एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल्स जैसे हम लोग देखें 2/2 × 4/2 है, रूट रूट सेम मिल गया बेटा, रूट रूट हमको सेम मिल गया है, तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा, 4 मतलब जो बाहर वाला रेशनल पोर्शन होता है, यानी बाहर वाला पोर्शन, 4 × 2 = 8 आ जाएगा बेटा, और यहाँ से अब क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। रूट हटेगा तो ये इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का ही फॉर्म होता है, किसका फॉर्म होता है बेटा, प्रोडक्ट, यानी अगर रूट हटा तो आपको क्या करना है, उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, हमको क्या करना है बेटा, आपस में मल्टीप्लाई करना है,
तो यहाँ से हमको क्या लिख लेना है बेटा, 16 एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, है ना, हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं बेटा, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक एक पॉइंट क्लियर करते जाते हैं। 3 रूट 5 है बेटा, जैसे यहाँ मान लो केवल रूट 5 है, तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है हमको ना, इस वाले 5 के बगल में 3 दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 हम मान के चलते हैं। क्लियर बेटा, 3 1 जा 3। अब यहाँ रूट सेम बेटा, तो रूट हट जाएगा, केवल 5 लिखा जाए। अगर दोनों रूट के अंदर सेम नहीं है तो हमको क्या कर देना है, रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर रूट सेम है तो रूट हटा के बस उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्चुअली आता ये भी उसी लॉजिक से है बेटा, है ना। ये देखिए, हम रूट के अंदर मल्टीप्लाई किए, फिर रूट के अंदर पेयर अप बन गया, पेयर से बाहर निकाल लिए। इस केस में सेम पेयर बन ही नहीं रहा था तो बाहर नहीं निकाल रहे थे। क्लियर ना। चलिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, केवल 15 आएगा। जैसे यहाँ रूट 7 इंटू रूट 7 हो बेटा, यहाँ भी वन मानेंगे हम, तो 1 1 जा 1 1 लिखें चाहे ना लिखें, तो यहाँ 1 दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं, हम दिखा दिए हैं। और रूट बेटा रूट है तो रूट हट जाएगा, तो केवल 7 बचेगा। आंसर कितना है मुन्ना, केवल और केवल हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, 7। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया। आगे चल के बहुत यूज है बेटा, इसको प्लीज समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अच्छा, किसी भी नंबर का पे पावर लगाने का मतलब क्या होता है, जैसे 8 की पावर 2 है, इसका मतलब 8 इंटू 8, 8 कितनी बार लिखा है बेटा, 2 बार। 3 की पावर यहाँ 4 लिख दें, इसका मतलब क्या है बेटा, 3 कितनी बार लिखा है, 4 टाइम्स। 3 कितनी टाइम्स लिखा है बेटा, 4 टाइम्स। इसी तरीके से बेटा किसी रूट का स्क्वायर ले, अगर ए रूट एक्स का होल स्क्वायर हम करें, क्या करें बेटा, ए रूट एक्स का होल स्क्वायर, कॉन्सेप्ट तीसरा है ना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ए रूट एक्स का होल स्क्वायर ले बेटा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का नेचर होता है बेटा, उसके अंदर जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, है ना। स्क्वायर का नेचर क्या होता है ये दिखा देते हैं थोड़ा। ए इंटू बी की पावर एम, इसका मतलब होता है बेटा ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। अभी आगे एक्सपोनेंट वाला टॉपिक है आने वाले वीडियोज में, उसमें हम इसको बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। बट अभी तक आप जान लीजिए कि अगर किसी होल ब्रैकेट पे पावर है तो वो ब्रैकेट के अंदर वाले हर एक एलिमेंट पे जाता है जो प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं बेटा, प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं ना, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर यही ए प्लस बी की पावर एम है, इसको हम ए की पावर एम प्लस बी की पावर एम नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। ये क्या है बेटा, रॉन्ग है, गलत है, ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते। अगर प्लस है तब पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, केवल प्रोडक्ट के फॉर्म में पावर डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, ठीक। प्लस अगर लगा है ब्रैकेट के अंदर तब आप पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, है ना बेटा। और प्रोडक्ट लगा है तो आप पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, केवल प्रोडक्ट वाले फॉर्मेट में जाती है पावर, है ना। फिलहाल इसको हम बाद में आएंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, फिलहाल अभी तक तो याद रख लीजिएगा कि ये पावर केवल जाती है तो प्रोडक्ट वाले। तो ये दोनों बेटा प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ से ए की पावर 2 भी जाएगा बेटा और रूट एक्स की पावर भी 2 जाएगा, है ना। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा, क्लियर। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर तो रहेगा, अगर हम इसको फिर से लिखें तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स आएगा। हमने क्या बताया था बेटा, अगर सिमिलर दो रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, ए स्क्वायर एक्स आएगा बेटा। इसको याद रख लें, आप लोग याद रख सकें तो, कि अगर किसी रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है बेटा, है ना। लेकिन उसके बगल वाली जो नंबर होती है उस पर भी पावर जाती है, है ना। एग्जांपल ले, जैसे मैं यहाँ बोलूँ 2√3 का होल स्क्वायर, जिसका मतलब ये होगा बेटा 2 पे भी पावर जाएगी और इंटू 3, ये इसके कारण क्या हो जाएगा बेटा, हट जाएगा ना। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं, है ना। तो जैसे कि एग्जांपल्स ले लेते हैं x 1 2√3 का होल स्क्वायर, क्या क्या होगा बेटा, इस पे 2 पे 2 चला जाएगा और ये √3 पे भी 2 जाएगा, है ना। स्क्वायर के कारण क्या होगा, रूट हट जाएगा, ये 2 2 जा
टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा और ये थ्री हो जाएगा, कितना आएगा ट्वेल्व आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से और फाइव रूट टू हो, अगर ये टू है इसका मतलब टू यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, फाइव की पावर टू और रूट टू की पावर टू, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ से रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट को हटा देता है ना, टू कितना होगा बेटा 50। तो याद रखें किसी भी रूट का स्क्वायर है तो रूट हटा देता है बेटा, जिनको याद है अच्छी बात, नहीं याद है तो भी याद रख ले कि अगर आप रूट का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा। मैं बेटा एकदम बेसिक से काम बात करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के सबका यूजफुल होगा, मैनिपुलेशंस होंगे तो आएंगे, तो एकदम बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ, आप इन सब चीज़ों को क्लियर रखें, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे चल कर के क्या होनी है, यूज होनी है। तो आई होप डिवीजन आपका क्लियर है, क्लियर बेटा आपको अब दिक्कत नहीं आनी है, ठीक। तो नेक्स्ट चीज सॉरी मल्टीप्लिकेशन आपका है ना, डिवीजन तो भी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या है क्लियर, ठीक। तो नेक्स्ट चीज़ हम लोग दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो क्लास एट्थ में भी देखे होंगे, जैसे ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, है ना, ये दोनों साइड से ट्रू होता है फॉर्मूला। अगर हमको कहीं यहाँ से दिख जाए ए प्लस बी दिख जाए और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी दिख जाए, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं, क्लियर, समझ गया ना। तो ये हमको याद होने चाहिए कुछ फार्मूले, एक क्या हो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, क्या होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। दूसरा फार्मूला बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है ना। तो दीज थ्री फार्मूलाज आर यूज है, अगर आप इनका यूज करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, वरना कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी होता चला जाएगा, तो इनको लिख करके याद रखें, क्लियर। फिलहाल अभी यूज करेंगे तो समझें। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। इफ़ एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा, मैं बोल रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री, और वाई इज इक्वल टू बोल रहा हूँ बेटा फोर प्लस रूट टू, क्लियर, रूट थ्री ही दे देते है ना, इनको मल्टीप्लाई करना, देन फाइंड एक्स इंटू वाई, क्या निकालना है बेटा एक्स इंटू वाई। हमने बोला ना प्रोडक्ट जो दो नंबर्स हैं तो बेटा उनको रूट लगा के मतलब ब्रैकेट लगा के रखो, अगर दो टर्म हैं तो, क्लियर ना, फोर रूट थ्री ये है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे बेटा, इसका मेथड बस एक सिंपल सा लॉजिक होता है मल्टीप्लाई करने का, किसी भी एक को फिक्स करो और एक को मूव करो, इसमें फिक्स किया बेटा इस ब्रैकेट को, हम इसको अंदर लाया ना, इसको फिक्स किया, इसका पहला एलिमेंट उठाए, पहला एलिमेंट कितना है टू टू लिख लिया हमने, इसका पहला एलिमेंट उठाया और टू लिख लिया, पहला एलिमेंट टू था, और फिर ये जो हम फिक्स किए हैं सॉरी जो हमारा मूव है मूव कर रहा है, ये वाला पॉइंट उठा के पूरा कंप्लीट यहाँ लिख देते हैं फोर प्लस रूट थ्री, क्लियर। फिर बेटा इसका दूसरा बीच में दो के बाद गए तो क्या मिला प्लस मिला, तो यहाँ क्या लगा दो प्लस, फिर बेटा इसका दूसरा एलिमेंट उठा और फिर ये वाला पूरा कंप्लीट लिख लो फोर प्लस रूट थ्री, क्लियर बेटा आई होप समझ में आ रहा। फिर बेटा ब्रेकेट हटेगा, ब्रेकेट हटेगा तो यहाँ से प्लस देखेंगे, यहाँ प्लस यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो प्लस मानेंगे प्लस, और ये याद रखें प्लस इंटू प्लस बराबर बेटा प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस बराबर बेटा प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस बराबर बेटा क्या होता है माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस बराबर बेटा माइनस ही होता है। इसको प्लीज़ लिख लें और याद कर लें, अगर आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो ये ज़रूर ध्यान दें। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हम प्लस मानेंगे बेटा, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है तो प्लस मानेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, है ना, प्लस दिखाया नहीं जाता फर्स्ट वाले केस में, प्लस एज्यूम किया जाता है, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस होता तो दिखाना कंपलसरी होता, बट अगर फर्स्ट नंबर आप लिख रहे हैं तो प्लस नहीं दिखा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर टू फोर जा बेटा एट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसका हमने आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाया था, कोई रेशनल अगर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है
तो ये केवल, अब यहाँ रूट तो है नहीं, लेकिन रेशनल वाला रेशनल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? क्लियर? इसी तरीके से ये होगा बेटा, यहाँ तो रूट है नहीं, रेशनल वाला रेशनल से होगा, ये रेशनल नंबर है, इसके बगल में कुछ नहीं है, तो 1 4 1 जा 4 √3 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है ना? अब यहाँ से ध्यान से देख लेते हैं, √3 √3 प्लस इंटू प्लस प्लस 1 × 1 1 बेटा 1 दिखाओ चाहे ना दिखाओ, और रूट सिमिलर है, सेम रूट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है। क्या हो जाता है बेटा? हट जाता है, रूट हट जाएगा, है ना? अब रेशनल वाला रेशनल के साथ ऐड हो जाएगा बेटा, इन रेशनल वाला इन रेशनल के साथ अगर सिमिलर है तो 3 8 11 हो जाएगा बेटा। यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, सेम प्रजाति, ये यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, इसका कोफिशियंट ऐड होगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा बेटा? 6 √3 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, है ना? अच्छा, एक चीज़ शायद डिस्कस नहीं की है, क्या डिस्कस कर लेते हैं? अगर किसी रेशनल नंबर को हम किसी रूट में मल्टीप्लाई करते हैं, किस में मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? किसी रेशनल नंबर को रूट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना? मतलब यहाँ रूट नहीं लगाया, यहाँ रूट लगाया, तो ये वाली रेशनल नंबर जो होगी बेटा, रूट के बाहर वाले हिस्से से, रेशनल नंबर जो होगी रूट के बाहर वाला जो कोफिशियंट होगा उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये रूट एक्स ज्यों का त्यों वहाँ पे पड़ा रहेगा, है ना? जैसे यहाँ मैं 2 × 3 √5 लिख दूँ, ये रूट के अंदर नहीं जाएगा, ये कहाँ मल्टीप्लाई होगा? रूट के बगल वाले से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6 √5, है ना? यहाँ अगर मैं 7 ले लूँ, 5 √3 ले लूँ, तो किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा? रूट के बाहर वाले जो नंबर होती है ना, एक ब्रैकेट में ये और एक ब्रैकेट में, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा? रूट के बाहर वाले नंबर से, 7 × 5 = 35 √3, है ना? समझ गया ना? रेशनल हमेशा जा करके रेशनल वाले पोर्शन से ही मल्टीप्लाई होती है, इन रेशनल वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई नहीं होती। तो प्लीज़ इसको याद रखें बेटा, इसको ध्यान में रखियो, है ना? ये चीज़ मैं जितने भी की पॉइंट लिखाता जा रहा हूँ उसको आप मेमोराइज करते जाएं, बहुत आसान है, सारे लेक्चर्स फॉलो करें बेटा, मल्टीप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड, √2 + √3 √2 + 5 √3। क्लियर बेटा? क्या पहला स्टेप क्या था? फिक्स करिए एक को, चलिए हमने इसको फिक्स किया, है ना? ठीक, फिक्स करिए, इसका पॉइंट लिख लीजिए √2, फिर थोड़ी थोड़ा स्पेस छोड़ के प्लस लगाइए यहाँ जो साइन है, और फिर √3 लिख दीजिए दूसरा पॉइंट। क्लियर बेटा? फिर इसको उठा करके दोनों जगह रख दीजिए, रख दिए 3 √2 + 5 √3, है ना? यहाँ भी रख दीजिए 3 √2 + 5 √3। क्लियर बेटा? दिस इज द वे, आई थिंक वेरी सिंपल। एक कोई भी ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए बेटा, बस थोड़ा सेपरेट करके उनको लिख लीजिए। क्या करिए? थोड़ा सेपरेट करके लिख लीजिए, फिर दूसरे वाले को उठा करके उसी जगह पे रख दीजिए, अपने आप सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, अपने आप हो जाता है, हमको दिक्कत नहीं होती। फिर बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस इंटू प्लस बेटा, प्लस दिखाओ चाहे ना दिखाओ, 3 1 जा 3 √2 √2 हट जाएगा रूट बेटा, केवल 2 बचेगा। यहाँ बेटा जाएँ 5 1 जा, यहाँ 1 है, यहाँ 5 1 जा 5। यहाँ बेटा रूट के अंदर वाला सेम नहीं है, तो रूट के अंदर वाला क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्लियर? इसी तरीके से ये वाला बेटा 3 1 जा 3, ये भी रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेटा 5 1 जा 5 प्लस ये आएगा यहाँ पे, है ना? रूट रूट सेम, तो ये हो जाएगा। यहाँ से 6 प्लस, ये बेटा ध्यान से देखो ऐड हो जाएगा √6 √6, तो प्लस 11 √6, और यहाँ से 15, है ना? 21 + 11 √6, दिस इज योर आंसर।